आज के इस कार्यक्रम में इंजीनियर सज्जन सिंह यादव जी चेयरमैन आईआई राजस्थान स्टेट सेंटर, डॉक्टर टीएम गुना राजा इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट आईआई इंडिया, इंजीनियर जी आर भंसाली सेक्रेटरी राजस्थान स्टेट सेंटर, डॉक्टर रवि कुमार गोयल चेयरमैन अवार्ड कमेटी आईआईआईईआरएससी। आज पूरे देश भर में इंजीनियर्स डे मनाया जा रहा है। 15 सितंबर को भारत के गौरव डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया सिविल इंजीनियर के जन्म दिवस को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इस वर्ष को शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहा है। संगठन के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों और छात्र और छात्राओं को मैं बधाई देता हूं। शताब्दी वर्ष में पूरे वर्ष भर संस्थान में विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं, यह प्रशंसनीय है। इसी क्रम में राजस्थान स्टेट सेंटर के द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स द्वारा राजस्थान में इंजीनियर्स द्वारा किए गए विभिन्न एकेडमिक व प्रोफेशनल क्षेत्रों में दिए गए योगदान को सम्मानित करने का निर्णय भी प्रशंसनीय है और बड़े ढंग से चयन किया हुआ है जिनको सम्मान प्रदान किया गया है। मैंने स्वयं वीडियो पर देखा, विशेष योग्यता रखने वाले अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने अपना स्थान बनाया है, ऐसे लोगों का चयन करके आपने सम्मानित किया है। इसके लिए जिनको सम्मानित किया है उनको भी मैं बधाई देता हूं और जिन्होंने चयन किया है उस चयन कमेटी को भी, विशेषकर रवि गोयल को भी मैं बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की स्थापना सन 1920 में की गई थी। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स भारत के अभियंताओं का राष्ट्रीय संगठन है। 15 से ज्यादा विभिन्न संकायों में रिसर्च व इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम यहाँ चलाए जा रहे हैं। भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा के विकास के लिए एक संस्थान की स्थापना हेतु आवश्यकता को समझकर 3 जनवरी 1919 को भारतीय इंजीनियर समाज, इंडियन सोसाइटी ऑफ इंजीनियर के लिए थॉमस हॉलैंड के अध्यक्षता में कोलकाता में संगठन समिति बनाई गई और 13 सितंबर 1920 को इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के नाम से स्थापना की गई। देश में इतने पुराने संस्थान का चलना और प्रगति करना हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। इस संस्थान के संचालन से जुड़े सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं, वो बड़े साधुपाद के पात्र भी हैं। 23 फरवरी 1921 को इसका उद्घाटन कोलकाता में भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा किया गया। तत्पश्चात निरंतर इसका विकास होता गया और आज लगभग 100 वर्ष पूर्ण होने की स्थिति में इस संस्थान का विकास भारत में ही नहीं अभी पूरे विश्व में हो गया है। 100 वर्ष का समय तक किसी बहुत लंबा होता है। इतने समय से संस्था का चलना और न केवल देश में बल्कि विश्व में इसका विस्तार होना प्रशंसनीय है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के राजस्थान स्टेट सेंटर द्वारा राज्य में युवाओं के लिए भरसक प्रयास करने होंगे। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है और तकनीकी विश्वविद्यालय भी है। समय की मांग को देखते हुए संस्थान को राज्य के तकनीकी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर राज्य के उद्योगों के विकास के लिए रणनीति बनानी चाहिए। और आपको इस समय अनुभव खुद हो रहा होगा कि महामारी कोविड-19 के दौरान किस प्रकार की परेशानी लोग झेल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसीलिए आत्मनिर्भर भारत की बात की है।
आत्मनिर्भर भारत अर्थात अपने द्वारा इनोवेशन के आधार पर नई चीजों को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए स्वयं उसको कैसे चलाया जाए और उसे आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें, इस दृष्टि से प्रयत्न करना होगा। और मैं समझता हूँ आज इंजीनियर्स को इस दिशा में विशेष रूप से प्रयास करके लोगों के मन के अंदर यह अनुभूति करानी होगी कि सचमुच आत्मनिर्भरता के तरफ हम ऐसे महामारी के दौर में भी हम बढ़ रहे हैं। इस स्थिति का निर्माण और इस प्रकार का वातावरण पैदा करने की आज इंजीनियर्स को बहुत जरूरत है। मैं समझता हूँ आज के लिए ये बहुत आवश्यक भी है। समय समय पर इंजीनियरिंग संकाय के विद्यार्थियों और राज्य में निजी व सरकारी इंजीनियरों में तकनीकी दक्षता बढ़ाने हेतु कार्यशाला, सेमिनार एवं व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाना चाहिए। इससे राज्य में तकनीकी दक्षता का विकास हो सकेगा, नवाचार हो सकेंगे, राज्य को इसका लाभ मिल सकेगा। संस्थान को बदलती हुई परिस्थितियों पर अनुसंधान करना चाहिए। समय के अनुरूप आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें भविष्य के लिए उद्योग धंधों के विकास हेतु रूपरेखा तैयार करनी होगी। संसार राज्य के तकनीकी विश्वविद्यालयों से यमु करे ज्यादा अच्छा होगा। अब देश में कोरोना वैश्विक महामारी ने जीवन के प्रत्येक स्तर पर स्थितियां बदल दी है। ऐसी स्थिति में देश के इंजीनियर्स पर महती जिम्मेदारी आती है। हमें देश को मजबूत बनाना है, देश की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना है, उनके द्वारा किए गए कार्यों को समाज और देश के सामने लाना होगा। हमें लोकल को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा और उसको ग्लोबल भी बनाना पड़ेगा। स्थानीय प्रतिभाओं को स्थानीय स्तर पर संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। इसे स्थानीय स्तर पर ही हमारे उत्पाद तैयार हो सके। इंजीनियर्स का दायित्व है कि वे उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को सामाजिक, आर्थिक और विज्ञान की दृष्टि से भी पहलुओं का परीक्षण कर लें ताकि यह लोकल उत्पाद ग्लोबल बन सके। कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। गांव में रोजगार के साधन सुलभ कराने होंगे ताकि गांव से लोगों का रोजगार के लिए पलायन ना हो सके, ये चिंता भी करनी होगी। हमें गांव में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग धंधों को बढ़ावा देना होगा। लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा, इससे न केवल गांव बल्कि पूरा देश मजबूत हो सकेगा। मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूं। इंजीनियर्स डे के दिन और कोरोना के समय इस प्रकार का आयोजन लोगों को प्रोत्साहन प्रदान करने में बड़ा समर्थ होगा, सक्षम होगा। और उस दिशा में लोग स्वयं इंजीनियर्स आगे बढ़कर और जिन लोगों को हमने सम्मानित किया है विभिन्न क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, ये लोग भी अपने विशेषता को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए लोगों को प्रेरित कर सकने में सक्षम हो, मैं समझता हूँ लोगों का ऐसे काल में आत्मविश्वास बढ़ेगा और स्वयं स्वावलंबी होकर काम करने की दृष्टि से आगे चलेंगे। छोटे छोटे उद्योगों की का भरमार होगा और इसके आधार पर ही जो लोकल फॉर वोकल की बात की गई है और फॉर ग्लोबल की बात की गई है, शायद क्रमशः आगे चल करके अपना स्थान बना सकेगा। इतनी बात कहकर मैं इस कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने के लिए आयोजकों ने जो बुलाया उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और फिर से मैं आप सब लोगों को और जिनको सम्मानित किया गया है उन सब लोगों को मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।